अंडा इसमें कौन कौन करे अंडा? नहीं कुछ खाली पड़ा, ये खाली है, ये नीचे वाले में लगे अंडे। इसमें जो ये है ना, ये वाली पोजीशन सात की, ये कितने दिनों भर और निकालना क्या होता है? ज्यादा कितने कितने तक फ्रेम भर है? नाम क्या सर आपका? सर आशीष, मैं विलेज नैला, गांव नैला और डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद से हूँ। मैं यहाँ पे आईपीडीसी में ट्रेनिंग के लिए आया था। यह 5 दिन की ट्रेनिंग थी हमारी। यहाँ पे डॉक्टर अमित हैं, डॉक्टर नेहा है और डॉक्टर चांद हैं। जो डॉक्टर अमित है ये बी एक्सपर्ट है, इनको बहुत अच्छी नॉलेज है बी कीपिंग के बारे में। इन्होंने हमारे साथ बहुत नॉलेज हमारे को दी है, बी कीपिंग के बारे में बताया, बहुत कुछ सीखा हमने यहाँ पे। यहाँ पे हॉस्टल की सुविधा है, अच्छा रहना सहना खाना पीना अच्छा है यहाँ पे। यहाँ पे जो हमारे साथ बंदे थे, हम 20-25 का हमारा ग्रुप था, सभी अच्छे नेचर के थे लोग। और यहाँ पे आके मैं बहुत क्या करते हैं सर जी? सर मैं बीएससी एग्रीकल्चर अभी पास आउट हूँ, महर्षि मार्कंडेय यूनिवर्सिटी है जो सदोपुर अम्बाड़ा, वहाँ से। तो आपका बी कीपिंग में इंटरेस्ट कैसे बना? जैसे सर ये हमारे लास्ट जो 6 महीने थे, इनमें हमारा सब्जेक्ट था एक तो बी कीपिंग। ओके। उसके दौरान हमें बहुत कुछ इसके बारे में पढ़ने को मिला और उस समय हम प्रभावित हुए इस चीज़ से कि बी कीपिंग कुछ चीज़ है। और हमने इसके बारे में आपको कहाँ से पता लगा? इस सेंटर के बारे में मेरे साथ एक लड़का था जो बीएससी पास आउट है, उसने बी कीपिंग शुरू कर रखी है, साहिल नाम है उसका। और उसने मेरे को बताया था कि वहाँ से ऐसे बी कीपिंग ट्रेनिंग होती है, तो उसके थ्रू आया था मैं यहाँ पे। मेरे को यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी नॉलेज मिली मेरे को। तो यहाँ पे क्या क्या सीखा आपने, कुछ एक दो बात बताओगे आप? हाँ जी, जैसे बी कीपिंग के बारे में ही सीखा इन्होंने, जैसे सब्सिडी के बारे में बताया है, इनके टूल्स के बारे में बताया है। यहाँ पे प्रोसेसिंग लैब है, जैसे बोटलिंग वाला सिस्टम है यहाँ पे, इनको सब कुछ ये दिखाया इन्होंने, प्रैक्टिकली करके दिखाया है। हमें लेके गए थे टूल्स वगैरह दिखाए हैं प्रैक्टिकली। तो आप बी कीपिंग करना चाहोगे आगे? जी सर बिल्कुल, मैं बिल्कुल प्रभावित हूँ इनकी बातों से और करना चाहता हूँ। कोई एक फ़ायदा बताओ जो मधुमक्खी पालन में शहद के अलावा मिलता है? शहद के अलावा तो हमें बहुत कुछ मिलता है, जैसे पोलन मिलता है, परपोलिस मिलता है, वैक्स मिलता है, लेकिन लोगों को इतना पता नहीं है, वो सोचते हैं कि बस मधुमक्खियाँ हमें शहद ही देती हैं। और कुछ कहना चाहेंगे आप जी इस संस्थान के बारे में, मधुमक्खी पालन के बारे में, युवाओं के बारे में जो बी कीपिंग करना चाहते हैं? बस मैं यही कहना चाहूँगा, बी कीपिंग एक अच्छा साधन है पैसा कमाने का भी, और हमारी जो आगे बढ़ाने के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है ये, हमें करनी चाहिए बिजनेस में भी। और वैसे भी शहद बहुत अच्छा होता है खाने के लिए, खांसी जुकाम में, आँखों में अगर कोई दिक्कत है डाल सकते हैं। एंटी एजिंग होता है ये, एंटी माइक्रोबियल होता है, आदमी को शहद खाना चाहिए, बिल्कुल ज़रूरी है। ठीक है सर जी, थैंक यू। नाम क्या है? मेरा नाम जसमीत सिंह है। बैठ के कर सकते हो। मैं गाँव दीन जिला अम्बाड़ा का रहने वाला हूँ। तो यहाँ ट्रेनिंग लेने के लिए आए हो आप सेंटर में? हाँ जी, ट्रेनिंग ली है मैंने 5 दिन की, बहुत अच्छी ट्रेनिंग थी, टीचर्स भी बहुत अच्छे थे, उन्होंने बहुत अच्छी तरह समझाया हमें। तो प्रैक्टिकली भी करके देखा आपने कुछ? हाँ जी, उन्होंने विजिट कराई थी वहाँ, प्रैक्टिकल भी देखा है। तो आपको यहाँ जाने के बाद आप बी कीपिंग करोगे? हाँ जी बिल्कुल करूँगा। कितने बी कॉलोनी से स्टार्ट करोगे आप? मैं शुरू तो 8-10 से करूँगा, बाद में उसे 50 तक बढ़ा लूँगा। तो यहाँ के सेंटर से आपको क्या कुछ हेल्प मिल सकती है? यहाँ के सेंटर से हमें सब्सिडी पे सब कुछ मिल सकता है, सब्सिडी मधुमक्खियों पे भी है और जो कॉलोनी है उनकी उस पे बॉक्सेस मिलते हैं उन पे भी है। तो इस सेंटर के बारे में जानकारी कहाँ से मिली आपको? इस सेंटर के बारे में मेरे को नेट से ही जानकारी मिली, मैं बी कीपिंग के बारे में सर्च कर रहा था तो मेरे को इस कोर्स का पता चला, बहुत बढ़िया समझाया और सब कुछ फ्री में है यहाँ, मुफ्त में इतनी नॉलेज। तो कोई नया व्यक्ति मिलेगा तो आप इस सेंटर के बारे में बताना चाहोगे? हाँ जी बिल्कुल बताना चाहूँगा। जैसे कि आजकल बेरोजगारी का बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं, तो आपको क्या लगता है बेरोजगारों को ये काम करना चाहिए? हाँ जी बिल्कुल करना चाहिए, बहुत अच्छा काम है और इससे आमदन भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो सिर्फ हनी ही नहीं, हम उसके अलावा और भी बहुत प्रोडक्ट बेच के पैसा कमा सकते हैं, जैसे प्रपोलिस, वैक्स। थैंक यू सर। नमस्कार। नमस्कार सर, आपका नाम क्या है सर जी? मेरा नाम गुरमीत है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? अम्बाला सिटी। तो यहाँ ट्रेनिंग लेने के लिए आए हो आप? हाँ जी ट्रेनिंग लेने आए। तो कैसा लगा आपको यहाँ ट्रेनिंग लेकर के? ट्रेनिंग लेके बहुत अच्छा लगा, वैसे तो मैं बी कीपर हूँ अम्बाला से, तो सर्टिफिकेट नहीं था इसलिए ट्रेनिंग लेने आया हूँ।
तो मतलब 5 दिन बहुत अच्छे लगे यहाँ सब ने हमारी मतलब वो की ट्रेनिंग दी जो हमें नहीं पता था बी कीपरिंग में वो भी हमें बताया कि कौन सी बीमारी में क्या मेडिसिन देनी चाहिए और कब कहाँ लेके जाना चाहिए और कैसे मधुमक्खी देखभाल करनी चाहिए। तो आपको कुछ एक्स्ट्रा लाभ मिला यहाँ पे आकर के ट्रेनिंग लेने के लिए? बहुत ज़्यादा लाभ मिला हमें, कुछ बीमारों को पता नहीं था कि उसके लिए क्या मेडिसिन देनी चाहिए उसके बारे में हमें पता चला और ये पता चला कि कैसे ऑक्सीजन में उसको रखना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे साइंटिफिक बी कीपिंग के बारे में बताया जाता है, तो अभी तक जो आप बी कीपिंग कर रहे हो वो साइंटिफिक वे से कर रहे हो या ट्रेडिशनल वे से कर रहे हो? हम तो ट्रेडिशनल बेस पे कर रहे हैं, तो अब जो इनको इन्होंने बताया हमें क्या मेडिसिन देनी चाहिए और क्या करना चाहिए वो हमें मतलब यहाँ थोड़ा एक्स्ट्रा हमें पता चला। वैसे तो हमें 12 सालों से काम करते हैं, फिर भी हमें कुछ कमियाँ थी जो इन्होंने हमें साइंटिफिक के कारण बताया। थैंक यू सर। हाँ जी नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका नाम क्या है सर जी और कहाँ से आए हो आप ट्रेनिंग लेने के लिए? मेरा नाम सर मनीष कुमार है, मैं डिस्ट्रिक्ट करनाल से आया हूँ यहाँ पे ट्रेनिंग लेने के लिए। 9 तारीख से 13 तारीख के दौरान हमारा बैच चला था यहाँ पे, बी कीपिंग की ट्रेनिंग दी गई थी, सभी दोस्तों को अच्छे से प्रैक्टिकल नॉलेज भी दी गई थी, साथ ही साथ हमें मधुमक्खियों से रिलेटेड जो बीमारियाँ आती हैं फंगस वगैरह से, मौसम चेंज होने पर जो माइग्रेशन के समय सावधानियाँ रखनी होती हैं सभी के बारे में बताया गया था। और सभी दोस्तों से, वीडियो देखने वालों से यही अनुरोध करूँगा कि ये बी कीपिंग इंडिया के नाम से हमारे शिव कुमार भाई का चैनल है, उसको सब्सक्राइब करना, धन्यवाद। तो आप अभी क्या करते हो? मैं अभी सर स्टडी करता हूँ। स्टडी में क्या कर रहे हो? एमकॉम की हुई है सर मैंने। एमकॉम की हुई है? हाँ जी सर। तो एमकॉम करने के बाद आप बी कीपिंग में आ रहे हो, कोई खास कारण? सर बी कीपिंग में आने का ये रीजन है कि बी कीपिंग भी नहीं करूँगा तो ट्रेडिंग के कई वो बनते हैं सर इस फील्ड में, साइड बिजनेस पर्पज से सर, जॉब के साथ साथ, क्योंकि ये है सर ये काम ये नहीं है बंदे को कि परमानेंट इसी पे डिपेंड रह के कर सकता है, अदर फील्ड में इस काम के साथ साथ अदर कुछ भी कर सकता है बंदा। तो यहाँ से ट्रेनिंग लेनी चाहिए, इसके बारे में कहाँ से पता लगा आपको? इसके बारे में सर मुझे नेट से नॉलेज हुई, हर साइट पे बार बार विजिट करते रहते थे तो देखते देखते कुछ समय बाद हमारे सामने यही आया, 4-5 लोगों ने हमने इकट्ठी ट्रेनिंग ली है यहीं से, 4-5 फ्रेंड हम सभी। तो ज़्यादातर लोगों का ऐसा ही है कि वो ऑनलाइन देख करके नेट से जी जी तब उन्होंने यहाँ पे आकर के ट्रेनिंग लेने का निर्णय लिया। जी जी। तो यहाँ का माहौल कैसा लगा आपको? बिल्कुल सर बहुत अच्छा लगा, स्टाफ है सर बहुत अच्छा है यहाँ पे, हर स्टाफ मेंबर ने अच्छे से हर कैंडिडेट को जो भी उसके डाउट थे सबको क्लियर किया है। सर आपके मधुमक्खी काटी है कि नहीं कोई अभी? नहीं सर मुझे नहीं काटी है कभी। अच्छा, अपायरी में मैं गया था सर बिल्कुल से, हर प्रैक्टिकल करके दिखाई जो सर ने बताया था। तो यहाँ साथी हैं, किसी को मधुमक्खी नेस्टिंग की है इस पूरी ट्रेनिंग के दौरान? सभी बच्चे हमारे बीच में हैं, एक और बहुत शानदार पर्सनैलिटी। सर बताएं सर अपने बारे में, कहाँ से आए हैं और ट्रेनिंग का पता कैसे चला आपको? रविंदर सोनी मेरा नाम है, जिला करनाल, गांव सालवन का रहने वाला हूँ। साइंटिफिक बी कीपिंग के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ और मुझे इसका पता पहले से भी था लेकिन समय समय पर IDBC वाले अपना पोर्टल पे सूचना देते रहते हैं कि कब ट्रेनिंग शुरू होगी। इसके अतिरिक्त यहाँ पे आने के बाद साइंटिफिक बी कीपिंग के बारे में जाना कि वैज्ञानिक विधि क्या है, इसकी क्यों ज़रूरी है मधुमक्खी पालना, जो अधिकतर जो हम फ्रूट्स और सब्जियां खाते हैं इनका 80% जो है योगदान मधुमक्खियों का इसमें होता है, उत्पादन में पॉलिनेशन ये करती हैं, अगर मधुमक्खी ना हो तो हो सकता है कि हमें फल और सब्जियां खाने को ना मिले। तो इस संस्थान के बारे में क्या कहना चाहोगे आप, ये किस तरीके से हेल्पफुल है बी कीपर्स के लिए और जो न्यू कमर्स हैं उनके लिए? संस्थान के जो डॉक्टर साहिबान हैं बहुत ही सहनशील हैं, हंसमुख उनका जो पर्सनैलिटी है, कोऑपरेट करते हैं, एक्सपर्ट हैं ट्रेनिंग के लिए, हर बारीकी से हर बात की बारीकी से वो बताते हैं कि एक सफल बी कीपर होने के लिए हमें क्या करना चाहिए। और प्रैक्टिकल जो है जैसा समय रहता है 5 दिन का जो शेड्यूल है
उसमें जितना अधिकतम हो सकता है वो प्रैक्टिकल करवाते हैं। तो इस संस्थान ने आपको क्या क्या सुविधाएं दी यहाँ रहने के दौरान, इस पूरी ट्रेनिंग की आप सबने क्या क्या सुविधाएं आप सबको मिली हैं यहाँ से? यहाँ पे फैकल्टी हाउस है जिसमें स्टे का पूरा पूरा प्रबंध है, खाना बहुत उत्तम क्वालिटी का है, कहिएगा कि जो घर जैसा खाना होता है ना, बिल्कुल एकदम वेजिटेरियन खाना, और जो है ना गर्मी भी हमें महसूस नहीं हुई सारा दिन लगभग, जो है ना प्रैक्टिकल को छोड़ के हम जो थ्योरिकल जो था हमारा वो एक एसी रूम में हुआ है। बहुत सुहावना मौसम यहाँ रहा है, जो मित्र हैं हमारे प्रशिक्षु मित्र जो हैं उनका नेचर हमें बहुत अच्छा लगा, बेशक युवा हैं वो, और मैं कहना चाहता हूँ कि वो इस प्रोफेशन में अवश्य आएँ, पैसा मिलेगा आपको बहुत। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी, आपका नाम क्या है सर जी? मेरा नाम सरजी मंजीत सिंह है और मैंने बीए ओपन से कर, बहुत अच्छी फैसिलिटी है यहाँ पर, बहुत अच्छे हमारे सर हैं, हमारे अमित सर हैं जो कि एक्सपर्ट हैं इस चीज़ में, उन्होंने बहुत अच्छा हमको ज्ञान दिया है और हमको एक भाई के दर्जे से हमको ज्ञान दिया है, बहुत अच्छा ज्ञान दिया है। और नेहा मैम है और हमारे सारे स्टाफ ने बहुत अच्छे तरीके से हमारा हमको बहुत अच्छा ज्ञान दिया, और बहुत ही मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा जो कि हमारे साथ पुराने बीकीपर हैं, हमको उनसे 50% हमको उनसे ज्ञान प्राप्त हुआ है। हम ज़्यादातर बीकीपर का भी धन्यवाद करना चाहेंगे, उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया है, और शिव कुमार हमारे कैमरामैन जो वीडियो बना रहे हैं हमको भी ज्ञान देते रहे, और इनके चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।